नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम जो कंपनी का एनालिसिस करने जा रहे हैं उसका नाम है बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अगर आप नए हो तो आप इस वीडियो के एनालिसिस को 1.7x या फिर 2x पर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाल्मर लॉरी इन्वेस्टमेंट, ये जो कंपनी है ये गवर्नमेंट कंपनी है जिसमें मेजोरिटी स्टेक गवर्नमेंट का है। और ये कंपनी बिजनेस करती है पैकेजिंग का, ग्रीस और लुब्रिकेंट और लेदर केमिकल का। जिससे आप समझ सकते हैं ये जो लुब्रिकेंट होते हैं, केमिकल होते हैं, ग्रीस होते हैं, ये किसी भी कंपनी के लिए एक फ्रिक्शन कम करने के प्रोडक्ट होते हैं। जिससे हम समझ सकते हैं कि इसकी जो डिमांड है वो कम नहीं होगी। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 1000 करोड़ की स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब इसके बढ़ने के चांसेस बहुत है। 450 रुपये का इसका भाव है और 500 की इसकी बुक वैल्यू, मतलब ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। इसकी पी भी अंडर वैल्यूड है। अगर आप इसका आरओसी देखें 20 का, जो कि अच्छी बात है, आरओई भी 6-10 का, वो भी एक अच्छी बात है। एफआईएस ने इसमें इस क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाई है, जिसका मतलब आने वाला क्वार्टर इसके लिए अच्छा है। प्रॉफिट 1.65 जो कि बहुत कम है, और ईपीएस भी 1.65 जो कि बहुत कम है, लेकिन सेल्स अच्छी होने की वजह से प्रॉफिट भी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। डिविडेंड यील्ड 7% का है, जो कि एक अपने लिए एक एफडी से भी अच्छा आपको ये दे देता है इसमें रिटर्न। और जो भी इसका भाव बढ़ेगा वो रिटर्न अलग रहेगा, मतलब इस वजह से ये कंपनी में बेट लगाने के लिए बहुत ही सही बात है। और गवर्नमेंट के होने की वजह से इसमें डूबने के चांसेस बिल्कुल कम है। फेस वैल्यू 10 के होने की वजह से इसमें आने वाले साल में कुछ ना कुछ स्पीड होगा। अभी मेन बात देखें तो 7% तकरीबन इसका डिविडेंड यील्ड, और ये जो इसका जो शेयर का चार्ट पैटर्न का ऊपर जा रहा है, ये एक और आपके लिए एक अच्छी बात है। अगर आप इसमें वॉल्यूम देखें तो ये वॉल्यूम जो है इसका, ये वॉल्यूम ही इसको इसके शेयर पैटर्न को ऊपर लेके जा रहा है। और ये चार्टर पैटर्न अभी 1000 रुपये को भी टच करेगा आराम से। 5 ईयर का अगर शेयर का चार्ट देखें, ये कंसोलिडेट करता है इस रेंज में। लेकिन ये जो आप इसके वॉल्यूम देख रहे हैं कंटिन्यूसली, जो कि ये आया है, ये इसको ऊपर लेके जाने के लिए तैयार है। अगर हम इसका ईपीएस देखें तो कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है, और ये जो इसका पी है ये कंटिन्यूसली अभी ऊपर जाएगा, जिसकी वजह से शेयर का भाव भी ऊपर चला जाएगा। अगर हम इसका आरएसआई देखें जो 92 का है, जो कि इसके पीयर के मुकाबले सबसे ज़्यादा है, और वही आरएसआई इस शेयर के भाव को ऊपर लेके जाने के लिए अभी तैयार है। इसने एफआईएस ने भी इसमें होल्डिंग बढ़ाई है अपनी, जो कि एक पॉजिटिव बात है। सेल्स देखे अपन तो टीटीएम बेसिस पे 2274 करोड़ है। 9 का इसका मार्जिन है और 173 इसका प्रॉफिट है, जो कि पॉजिटिव बात है। और ईपीएस इसका 50 का है, जो कि अब तक का हाइएस्ट है। बरोइंग्स देखे तो 121 करोड़ की है सिर्फ, लेकिन रिजर्व देखे 1000 करोड़ का है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। नेट कैश फ्लो इसका हमेशा पॉजिटिव रहता है पिछले 3 साल से, और इस साल 13 करोड़ का इसका नेट कैश फ्लो है, जो कि एक पॉजिटिव बात है। एफएस की पोजीशन देखे 0.32 से बढ़कर 0.38 हो गई है। डीएस की इसमें स्टैटिक है, और इसमें अगर प्रमोटर देखें वो भी अभी कांस्टेंट है, जो कि गवर्नमेंट है। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। धन्यवाद।